हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स के एक नए चैप्टर के बारे में, जिस चैप्टर का नाम है नियामक ज्यामिति। जी हाँ, आप लोग क्लास 9th में भी इसका नाम सुने होइएगा। हमारे चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? नियामक ज्यामिति। क्लास 9th में भी आप सुने थे और क्लास 10th में भी उसी से मिलेंगे। इसको निर्देशांक ज्यामिति भी कहा जाता है। इस नियामक ज्यामिति को बच्चों निर्देशांक ज्यामिति भी कहा जाता है। तो सबसे पहले कॉपी निकालिए और हेडिंग दे दीजिए अपना, निर्देशांक या नियामक ज्यामिति। निर्देशांक या इसी को नियामक ज्यामिति भी कहते हैं, तो दोनों लिखना हमें आवश्यक आवश्यक नहीं लग रहा, आप लोग लिख लीजिएगा। इसी को निर्देशांक ज्यामिति या नियामक ज्यामिति कहते हैं। अगर हम बात करें कि सर अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं, तो अंग्रेजी में इसको कहा जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और ज्यामिति को हम लोग ज्योमेट्री कहते हैं। क्लियर है? निर्देशांक ज्यामिति समझने से पहले आपको कुछ चीजों को समझना होगा मेरे प्यारे बच्चों। सारे के सारे बच्चे को पता होगा, आप लोग लाइन से रूबरू होंगे। अगर हम इसकी बात करें, गौर से देखिए इसको, अगर हम इसकी बात करें, अगर आपसे हम पूछें कि ये क्या है, तो आप कहिएगा सर यह एक रेखा है। अगर आपको थोड़ी सी टेढ़ी लग रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, बोर्ड पर लिखे हैं तो थोड़ी सी टेढ़ी हो सकती है, या मिटाकर हम इसको सीधा भी कर देते हैं। यह एक क्या है? तो बच्चों रेखा है, ठीक है। इसको क्या कहेंगे? रेखा कहेंगे। अभी तक इसको रेखा कहेंगे क्योंकि इस पर कोई भी प्रदर्शित, कोई भी संख्या, कुछ भी प्रदर्शित नहीं किया गया है, इसे हम लोग क्या कहेंगे? रेखा कहेंगे। अब इस रेखा के ऊपर में हम क्या करते हैं, इसको भी इसके बीचों बीच वाले भाग में, एकदम बीचों बीच में, मिड पॉइंट जिसको मूल बिंदु कहा जाता है, उस मूल बिंदु पर हम जीरो लिखते हैं, ठीक है। जैसा कि आप तमाम बच्चों को पता है कि जीरो से हम अगर चलना शुरू करते हैं ना, तो जैसे जैसे हम जीरो से आगे की ओर दाहिनी तरफ बढ़ते हैं, वो संख्या हमारा धनात्मक होता है या ऋणात्मक होता है। तो जब हम दाईं ओर बढ़ते हैं तो सारी की सारी संख्याएं बच्चों धनात्मक होती है, यानी +1 होगा, +2 होगा, +3 होगा। देखो +3 में पीछे प्लस लिखना जरूरी नहीं है, अगर आप नहीं भी लिखेंगे फिर भी बिल्कुल क्या है, सही है। +4 है, ठीक है। अगर हम बच्चों जीरो से पहले की बात करें, तो जीरो से पहले है हमारा -1, -2, -3 और -4। देखिए क्लास 9th में इन चीजों को आप पढ़े हुए थे, एक बार बस हम आपको रिवीजन करवाते हैं इसका। और हमें लग रहा है कि आज की क्लास सबसे महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि जो बच्चे आज क्लास में अटेंड हुए हैं, जो बच्चे आज क्लास कर रहे हैं ना, उनको आगे 2-3 क्लास इतना मजेदार तरीके से समझ में आने वाला है, क्योंकि 9th का हम रिविजन करवाने आज आए हैं। आज की क्लास में लगभग 9th के रिविजन के साथ साथ आपको उस लेवल तक हम ले जाएंगे जिन बच्चों को कुछ नहीं आता है, उनको बहुत कुछ आएगा इस क्लास के अंत तक, ठीक है। तो सारे के सारे बच्चे क्लास में जुड़े रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, अपना अपना नाम जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करते जाइए। और देखिए अगर हम बात करें बच्चों जीरो, आपने कहा कि सर जैसे जैसे जीरो से हम दाहिनी ओर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे धनात्मक चिन्ह आता है, मतलब जीरो से दाएं ओर धन चिन्ह होता है, पॉजिटिव नंबर आता है। आप इसको कह सकते हैं कि जीरो से इधर क्या आएगा, तो धनात्मक यानी प्लस वाला आएगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन जब हम जीरो से बाईं ओर जाते हैं, जीरो के बाईं ओर जाते हैं इधर, तो जीरो के लेफ्ट में क्या होगा, तो आप कहेगा सर जी ऋणात्मक होगा। बच्चों जीरो के लेफ्ट में क्या होता है, तो ऋणात्मक होता है, ठीक है। इधर जाएगा कहां तक, तो जितना बार आप लाइन खींच सकते हैं, जितनी संख्याओं को लिख सकते हैं, यानी अनंत तक जाएगा। इधर भी कहां जाएगा, तो अनंत तक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां तक क्लियर है। अब देखिए ऐसा ये जो लाइन है ना, इस लाइन को क्या कहते हैं, इस लाइन को अब हम क्या कहेंगे, तो इस लाइन को कहेंगे संख्या, मतलब नंबर लाइन, यानी हिंदी में उसको संख्या रेखा कहेंगे। पहले एक रेखा था, उस रेखा पर हमने संख्या को प्रदर्शित कर दिया, तो ये रेखा बन गया संख्या रेखा, मतलब एक वैसा रेखा जिस पर संख्या प्रदर्शित किया गया हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संख्या रेखा कहते हैं। अब इस रेखा को हम क्या करते हैं ना, ऐसे सीधा कर देते हैं। अभी ये रेखा ऐसे, अब इसको क्या करेंगे, सीधा करेंगे। तो गौर से देखिए ये जीरो यहां है, तो सीधा होने के बाद भी जीरो यहीं रहेगा, लेकिन ये प्लस वाला जितना कुछ भी है ना, ये ऊपर की ओर आएगा, और यह माइनस वाला घूम करके कहां चला जाएगा, नीचे, यानी यह रेखा कुछ इस तरह का बन जाएगा। यह रेखा बच्चों कुछ इस तरह का बनेगा, इसमें पूरा का पूरा प्लस वाला ऊपर आ गया, +1, +2, +3 और +4, कोई दिक्कत नहीं। और यह माइनस वाला पूरा का पूरा नीचे आएगा, तो यहां होगा -1, -2, -3 और -4, कोई दिक्कत। अब देखिए यह जो रेखा है ना नीचे वाला,
जो रेखा पहले से बना हुआ था ये इस रेखा को कहते क्या है, चाहे ये जो रेखा बना है ये रेखा कहलाता क्या है। तो इन तमाम रेखाओं को बच्चों हम लोग अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं। इसको भी अक्ष कहेंगे और इसको भी क्या कहेंगे? अक्ष कहेंगे। लेकिन कंफ्यूजन यहां ये है कि अगर दोनों को हम अक्ष ही कहेंगे तो फिर दोनों में अंतर कैसे पता चलेगा? अगर दोनों का अलग अलग नाम रहता तो हमें नाम से पता चलता कि हम किस रेखा की बात करते हैं। ठीक है, एक जो सोया हुआ रेखा है, सोने का मतलब हुआ, इसको हम क्षैतिज रेखा भी कहते हैं। सोए हुए रेखा को क्या कहा जाता है बच्चों? तो क्षैतिज रेखा, ये रेखाएं कहलाती है क्षैतिज। और ये जो रेखा है, खड़ा जो रेखा है, इसे हम लोग ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। बच्चों इस रेखा को क्या कहेंगे? ऊर्ध्वाधर रेखा कहेंगे। क्षैतिज रेखा और यह है हमारा ऊर्ध्वाधर रेखा। क्लियर है? तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर समझ में आ गया। क्षैतिज हो या ऊर्ध्वाधर हो, उसका नाम अक्ष है, उसे हम लोग अक्ष कहेंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए इस चित्र में, इस आकृति में आपको कितने अक्ष दिख रहे हैं, आप कहेगा एक ये सोया हुआ है और ये खड़ा है, यानी कि दो अक्ष है। कुल कितने अक्ष है बच्चों? तो दो अक्ष है। ठीक है, और ये जो लेटा हुआ अक्ष है ना, इस अक्ष को हम लोग एक्स अक्ष कहते हैं। इस अक्ष को क्या कहते हैं बच्चों? एक्स अक्ष इस अक्ष को कहा जाता है। क्लियर है? हम यहाँ रेड पेन से लिखने का प्रयास करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियरली दिख रहा होगा। इस अक्ष को बच्चों कहा जाता है एक्स अक्ष, और यह जो अक्ष है ना, इस अक्ष को कहा जाता है वाई अक्ष। इसको एक्स कहते हैं और इसको क्या कहते हैं? तो वाई अक्ष कहते हैं। चीजें क्लियर है यहां तक? अब देखिए, ये वाई अक्ष यहां से यहां तक है, और वाई अक्ष में भी अब दो तरह का संख्या है, आधा धनात्मक है और आधा ऋणात्मक है। अगर हम पूरे के पूरे संख्या को ना वाई ही कह दे, या इस पूरे के पूरे रेखा पर के प्रदर्शित किए गए संख्या को, इस पूरे भाग को अगर हम क्या कह दे? एक्स ही कह दे, तो ऐसा कहना सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फिर प्लस माइनस का लफड़ा हो जाएगा। कोई पूछेगा कि संख्या माइनस में है, कोई कहेगा संख्या प्लस में है, तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि कब प्लस होगा कब माइनस होगा, कैसा दोनों एक्स अक्ष है तो किसको हम माने, प्लस में माने एक्स अक्ष कि माइनस में माने एक्स अक्ष, ये दिक्कतें उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, प्लस का मतलब होता है धनात्मक और माइनस का मतलब होता है ऋणात्मक। ठीक है, तो अब यहां पर जब दिक्कत उत्पन्न होती है तो हम अपना मन से मानते हैं, ये मान लेते हैं कि प्लस वाला जो था ना, जीरो से ऊपर वाला, यह है हमारा वाई अक्ष, इसको हम वाई डैश मान लेते हैं। मानने के लिए तो कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इधर अगर यह एक्स अक्ष है तो हम इसको क्या मान लेंगे? एक्स डैश मान लेंगे। क्या मानेंगे? एक्स डैश मान लेंगे। चलिए, एक्स डैश मतलब एक्स वाला हो गया प्लस में और एक्स डैश वाला हो गया माइनस में, वाई वाला हो गया प्लस तो वाई डैश वाला हो गया माइनस। कोई दिक्कत है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, जब आपने देखा कि एक इस रेखा को और इसको घुमाने के बाद एक इस रेखा को, जब हम दोनों रेखा को ऐसा घुमाने के बाद जब इसको हम अरेंज करके रखें, तो एक दो तीन चार हमारे कॉपी पर, जब इस रेखा को हम बनाए हैं ना, तो हमारे कॉपी के कुल कितने टुकड़े हुए हैं? तो चार टुकड़े हुए हैं, पहला टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा, चौथा टुकड़ा। ठीक है, और ये चार टुकड़ा का पहला अंश है, ये उस टुकड़ा का दूसरा अंश है, ये उस टुकड़ा का तीसरा अंश है, और ये उसी टुकड़ा का चौथा अंश है। तो हर एक अंश को हम लोग, चार का एक अंश है तो चतुर्थांश कहेंगे। क्या कहेंगे उसे? चतुर्थांश। और यह जो है ना, हमारे उस टुकड़े का यह पहला अंश है, इसीलिए इसको हम लोग प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। यह हमारा दूसरा अंश है तो इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे? द्वितीय चतुर्थांश। इसे क्या कहेंगे बच्चों? तो आप लोग इसे कहिएगा द्वितीय चतुर्थांश। यह जो हमारा तीसरा अंश है, इसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? इसे कहेंगे तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश कहेंगे। तो जो चौथा बच गया, आप लोग कमेंट करिए कि इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम लोग चतुर्थ चतुर्थांश। इसको क्या कहा जाएगा? तो हम इसे कहेंगे चतुर्थ चतुर्थांश। क्लियर है? चलिए, उम्मीद करते हैं कि यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चारों चतुर्थांश जब आपको समझ में आ गया, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। हाँ बच्चों, एक बात आपको हम बता दें कि ये जो एक्स अक्ष है ना, इस एक्स अक्ष का एक नाम है। इस एक्स अक्ष को ना कहा जाता है भुज। इस एक्स अक्ष को क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। और यह जो हमारा वाई अक्ष है ना, इस वाई अक्ष का नाम है कोटि। एक्स अक्ष को भुज कहा जाता है और वाई अक्ष को क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। एक्स अक्ष को भुज कहते हैं और वाई अक्ष को क्या कहते हैं बच्चों? तो कोटि कहते हैं। चलिए, क्लियर है? तो भुज और कोटि में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक बात अब हमको बताइए कि यह जो चार टुकड़ों में बांटा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश,
तृतीय चतुर्थांश और ये है हमारा चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, अगर गौर से देखा जाए प्रथम चतुर्थांश की, हम बात किसकी करते हैं, प्रथम चतुर्थांश की। इसमें दो चीजें हैं, पहला आधा तो ये x वाला है, आधा क्या हम तो पूरा x वाला कहेंगे, क्योंकि आधा को हम लोग इसी इसी समस्या को दूर करने के लिए इधर के आधे x को हम लोग क्या मान लिए हैं, x डैश मान लिए हैं, क्या मान लिए हैं, x डैश मान लिए हैं। तो ये जो x वाला है आधा और ये आधा y वाला है, तो गौर से अगर हम x वाले को देखें, जो हमारा भुज है ना, गौर से अगर हम x वाले को देखें तो x की सारी संख्याएं कैसी है, धनात्मक है कि ऋणात्मक है, कैसी संख्या है, कैसी संख्या है, धनात्मक कि ऋणात्मक, एक्स वाला जो संख्या है ये धनात्मक है कि ऋणात्मक, सारी की सारी संख्याएं धनात्मक है। और यहाँ वाई वाला जो संख्या है ये सारी की सारी संख्याएं क्या है, ये भी धनात्मक है, दोनों के पीछे प्लस का साइन है, यानी किसी चीज का साइन नहीं है, कोनो चिन्ह नहीं है, मतलब धन का चिन्ह है, और बगल वाला में तो माइनस का लगले है। ठीक है, तो जब एक्सो वाला प्लस में है और वाईओ वाला प्लस में, मतलब जब इसको हम लिखेंगे ना तो एक्स भी किस चीज में आएगा, प्लस में आएगा, और वाई भी किस चीज में आएगा, प्लस में। अगर हम इसके पीछे माइनस लगा देंगे तो क्या हो गया, गलत हो जाएगा, यानी दोनों में क्या होगा, क्या होगा, प्लस ही होगा। क्लियर है, एक्स में भी प्लस और वाई में भी प्लस। अब मतलब ये हुआ कि प्लस एक्स भी और प्लस क्या है, वाई भी है, यानी आपसे कोई पूछे कि बताओ प्रथम चतुर्थांश का ना चिन्ह क्या होगा, निर्देशांक क्या होगा, तो आप कहिएगा प्लस प्लस होगा, यानी प्रथम चतुर्थांश में कोई संख्या आएगा ना तो दोनों संख्या क्या होगा, प्लस में होगा, प्लस प्लस का मतलब दोनों संख्या प्लस में रहेगा। ठीक है, जैसे मानकर चलो दो है और एक है, तो दो भी प्लस में है और एक भी क्या है, प्लस में है, मतलब यह हुआ कि एक्स बराबर कितना है, दो है, और वाई बराबर कितना है, एक है, तो दोनों प्लस में। हमेशा याद रखिएगा एक्स को पहले लिखिएगा, वाई को बाद में लिखिएगा, पहले एक्स, पहले हम एक्स रेखा खींचे थे ना, तब ना उसको सीधा करके वाई बना दिए हैं, तो पहले एक्स आया है इसीलिए पहले एक्स को लिखिएगा, फिर वाई आया है इसीलिए उसके बाद हम लोग वाई को लिखेंगे, कोई दिक्कत। चलिए अब आप लोग दिमाग लगाइए, इसमें एक्स है और वाई है, एक्स डैश और वाई डैश। ठीक है, तो यहां पर अगर गौर से देखा जाए बच्चों, तो पहले तो x को लिखना है तो x को लिख देंगे, x के जगह पर यहां पर इसका नाम x डैश मान लिए थे, x डैश को पहले लिखेंगे। अब x डैश प्लस में है इस संख्या की माइनस में है, अब कहेगा कि माइनस में है, क्योंकि x वाली संख्या माइनस तीन माइनस दो माइनस एक, इसके पीछे माइनस लगेगा, माइनस वाला रहेगा तो माइनस लगेगा, प्लस वाला रहेगा तो प्लस नहीं लगाएंगे, समझ जाएंगे कि प्लस में है। और यहां पर वाई है, यानी x हो गया माइनस में और y हो गया प्लस में, यानी पहल का जो है ना माइनस में होगा और दूसरा का किस चीज में होगा, प्लस में होगा, यानी इसका चिन्ह, इसका साइन, इसका निर्देशांक हो गया माइनस और प्लस। ठीक है, अब आते हैं हम तृतीय चतुर्थांश की तरफ, गौर से देखिए तृतीय चतुर्थांश में कह रहा है x वाले को पहले लिखिए, तो x तो माइनस में, अभी ऊपर भी लिखे थे x डैश माइनस में, नीचे y है, y को हम y डैश मान लिए थे और वो भी बेचारा माइनस में है, यानी यहां पर दोनों में क्या होगा, माइनस माइनस, यानी एक्स भी माइनस में होगा और हमारा वाई भी क्या होगा बच्चों, तो वो भी माइनस में होगा, यानी दोनों का दोनों क्या है हमारा, माइनस में ही है। चलिए चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े, सॉरी चौथे चतुर्थांश में अगर हम चले, तो चौथा चतुर्थांश में कितना बढ़िया है, फिर से एक्स बोला, एक्स के पीछे तो माइनस नहीं लगा है यानी एक्स होगा प्लस में, वाई के पीछे माइनस लगा है यानी वाई डैश हो जाएगा माइनस में, यानी इस चतुर्थांश का नियत जो अगर हम बात करें निर्देशांक की ना, इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस एक्स में है और वाई माइनस में है। ठीक है, तो प्लस और माइनस होगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि यहां तक की बातों में आपको कहीं कोई समस्याएं नहीं हुई होगी, हर एक पॉइंट आपको समझ में आया होगा। एक बार ध्यान से समझिए, इस रेखा को हम लोग भुज कहते हैं, जिसको एक्स अक्ष भी कहा जाता है, यह एक क्षैतिज रेखा है। हमेशा याद रखिए सोया हुआ रेखा जो भी होगा क्षैतिज कहलाएगा। ये जो खड़ा रेखा है ना, इसको हम ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं, इसका दूसरा नाम है कोटि, वैसे ये वाई अक्ष है। ठीक है, इस रेखा को खींचने पर ये चार भागों में बटा, हर एक भाग का नाम है चतुर्थांश पहला, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश। ठीक है, इस चतुर्थांश को हम लोग प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चतुर्थ पाद के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये भी चीज आप याद रखिएगा, या इसको चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रथम द्वितीय रोमन नंबर में, तृतीय और चतुर्थ। चलिए उम्मीद करते हैं कि यहां तक बातें आपको समझ में आई होगी। अब इसके आधार पर बच्चों प्रश्न जो हमसे पूछे जाते हैं, वो प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों की तरफ चलते हैं। उससे पहले जिन्हें भी बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है, आप जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, तो जल्दी लीजिए,
तो बच्चों क्लियर है यहां तक चीजें। चलिए इसके आगे कुछ कॉन्सेप्ट को हम समझने का प्रयास करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको नोट कर लिए होइएगा या स्क्रीनशॉट ले लिए होइएगा। देखिए बच्चों जब मैथ की क्लास की बात होती है ना तो आप लोग स्क्रीनशॉट लिया करिए, ज्यादा बेहतर होगा। चलिए आज की क्लास में, अब अभी की जो क्लास हुई है, इस क्लास में आपने ये देखा कि हमारे पास ना ये दो रेखाओं से बना हुआ एक कार्तीय तल। हाँ, इस तल को बच्चों कार्तीय तल भी कहा जाता है। इस तल को क्या कहते हैं? कार्तीय तल भी कहा जाता है। ठीक है, आपने देखा कि यह हमारा प्रथम चतुर्थांश है, यह द्वितीय है, यह तृतीय चतुर्थांश है, और यह हमारा क्या है? तो आप कहेगा सर जी चतुर्थ चतुर्थांश है। क्लियर है? प्रथम में बच्चों दोनों प्लस होगा, एक्स भी प्लस और वाई भी प्लस। इसमें एक्स माइनस में होगा, वाई प्लस में होगा। इसमें दोनों माइनस में होगा और यहां जो है ना एक्स प्लस में होगा और वाई माइनस में होगा। क्लियर है? देखो एक दूसरे का अपोजिट, सम संख्या वाला जो रहेगा ना एक दूसरे का उल्टा होगा, और विषम संख्या वाला रहेगा एक दूसरे को उल्टा होगा। मतलब सम का मतलब हुआ एक तीन, देखो सम का मतलब हुआ एक तीन और विषम का मतलब हुआ दो चार। एक तीन जो है ना, एक में अगर प्लस प्लस है, पहला में अगर प्लस प्लस है, इसका उल्टा तीन है तो माइनस माइनस। दो में अगर देखिए गौर से माइनस प्लस है तो इस चार है तो इसका उल्टा हो जाएगा प्लस माइनस। बस यह उसका उल्टा, वह उसका उल्टा, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। वैसे मेरे विचार से आप कॉन्सेप्ट जो है ना चित्र को देख करके याद रखिएगा तो ज्यादा बढ़िया से याद होगा और ज्यादा अच्छे से आप समझ पाइएगा, क्योंकि ज्यादा ट्रिक के पीछे भागने पर बच्चे ज्यादा कभी कभी ना कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए अब देखिए आपसे हम प्रश्न पूछेंगे, लेकिन उस प्रश्न पूछने से पहले एक चीज हमको बताइए, आपसे कोई पूछे तो आप ये कह सकते हैं क्या कि हमारा जो x होगा वो जीरो के बराबर होगा या बड़ा होगा, यानी जीरो के साथ इसका क्या संबंध होगा, और y जो है ना इसका जीरो के साथ क्या संबंध है, जल्दी बताइए। ये बात हो रही है किस चतुर्थांश की? प्रथम चतुर्थांश की। तो प्रथम चतुर्थांश में बच्चों x हमेशा जीरो से क्या होगा, जल्दी बताइए, एक्स हमेशा जीरो से बड़ा होगा। ठीक है, जीरो होगा तो तुम कुछ कहेंगे ही नहीं, जीरो मूल बिंदु पर होता है। जीरो कहाँ होता है? आपसे कभी कोई पूछे कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है तो मेरे प्यारे बच्चों आप कहिएगा कि मूल बिंदु का निर्देशांक होता है जीरो जीरो, यानी एक्स पर भी जीरो होगा और हमारा वाई पर भी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो जीरो जीरो होगा। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे ठीक है कि एक्स अक्ष पर, ठीक है एक्स अक्ष की बात करें ना, वहां पर जो संख्याएं होंगी उसका चिन्ह कौन सा होगा, धनात्मक की ऋणात्मक, तो जीरो से बड़ा होगा तभी तो धनात्मक होगा। पहला में है धनात्मक, धनात्मक तो जीरो से ये भी बड़ा होगा और जीरो से वाई भी बड़ा होगा, एक्स भी बड़ा है जीरो से और वाई भी क्या है, बड़का होगा जीरो से। चलिए दूसरे चतुर्थांश की अगर हम बात करें बच्चों तो एक्स माइनस में आ गया यानी एक्स छोटा होगा जीरो से, लेकिन वाई है प्लस में यानी वाई बड़ा होगा जीरो से। ठीक है, हम अगर बात करें बच्चों तृतीय चतुर्थांश की, ठीक है तीसरे वाले में ना एक्स जो है वह छोटा होगा जीरो से क्योंकि माइनस में है, y भी छोटा होगा जीरो से क्योंकि माइनस हमेशा जीरो से छोटा होता है और प्लस हमेशा जीरो से क्या होगा, बड़ा होता है। आइए चतुर्थ चतुर्थांश, इस कार्तीय तल के चतुर्थ चतुर्थांश को अगर गौर से देखा जाए ना तो इसमें x प्लस में है तो x बड़ा होगा जीरो से, y माइनस में है तो y क्या होगा, छोटा होगा जीरो से। चीजें क्लियर है यहां तक कि कोई दिक्कत? उम्मीद करते हैं कि यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए उसके बाद अब आते हैं कि सर जी प्रश्न किस तरह से पूछे जाएंगे। अब देखिए प्रश्न किस तरह से पूछे जाएंगे, हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं उस पर जवाब देखिए बच्चों। इसकी क्लास आपकी निर्देशांक ज्यामिति की क्लास लगभग हमें लग रही है तीन क्लासेज होगी, दो या तीन, उस तीन क्लासेज में जाकर के हमारा निर्देशांक ज्यामिति खत्म हो जाएगा काफी बेहतर तरीके से। अभी तो इस निर्देशांक ज्यामिति के आप बेसिक फेज पर हैं, इसके बाद हम लोग दूरी सूत्र से दूरी ज्ञात करना, मूल बिंदु से किसी निर्देशांक ज्यामिति के किसी निश्चित बिंदु के बीच की दूरी निकालना सीखेंगे, त्रिभुज के बारे में जानेंगे, तो यानी कि अभी बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे आपकी दो क्लासेज और होगी, उन दोनों क्लासेज में हमारी पूरी की पूरी कोशिश होगी कि आपका यह चैप्टर समाप्त कर दिया जाए। चलिए एक प्रश्न आपको देते हैं और इस पर थोड़ा सा दिमाग लगाइए, वापस से तो हम बताएंगे ही। कह रहा है दिए गए बिंदुओं का चतुर्थांश बताएं, जो बिंदुएं आपके सामने में दी गई है उन बिंदुओं का बच्चों चतुर्थांश बताइए कि किसका कौन सा चतुर्थांश होगा। ठीक है,
जैसे यहां हमने दे दिया माइनस छ और माइनस दो, माइनस तीन और माइनस चार, माइनस पांच और चार, माइनस दो और जीरो, माइनस नौ और आठ, आठ और तीन, तीन और माइनस दो। ठीक है, ये आपके सामने पांच छह सवाल है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। और हाँ बच्चों, जो भी बच्चे लक्ष्य 450 वाले हैं उन बच्चों को पहले बता दे कि आप लोग इसका आंसर बना करके हमारे लक्ष्य 450 की जो व्हाट्सएप ग्रुप बनी हुई है उस ग्रुप में भी सेंड करेंगे सारे के सारे बच्चे। उसके अलावा अन्य जो भी बच्चे हैं वो कल ऑफलाइन कोचिंग में ला करके चेक भी कराएंगे, ये आपकी होमवर्क भी है। फिलहाल आप अगर आंसर बता सकते हैं तो फटाफट इसका आंसर बताते जाइए कि इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी। चलिए देखिए, पहला जो सवाल है आपके सामने माइनस छह और माइनस दो, अगर गौर से इसको देखा जाए तो यहां पर दोनों में माइनस माइनस है, तो ये हमारा हो जाएगा तृतीय चतुर्थांश में। हमने कहा था कि तृतीय को आप डायरेक्ट तीन लिख दीजिए। अगला क्या है, फिर से माइनस, फिर से तृतीय, यहां है माइनस और प्लस। गौर से देखिए, यही तो अभी हमने पढ़ा डायग्राम, इसमें प्लस प्लस होगा, इसमें माइनस प्लस होगा, ठीक है, इसमें दोनों में माइनस हो गया और यहां पर प्लस और माइनस हो गया, क्लियर है। तो पहला जब अगर देखा जाए, अगर हम पहले की बात करें, अच्छा रेड कलर नहीं दिखता है, क्लियर। अगर हम इस चतुर्थांश की बात करें बच्चों, इसमें है प्लस प्लस, इसमें है माइनस प्लस, इसमें है माइनस माइनस और इसमें है प्लस माइनस, क्लियर है, अब तो दिखा। चलिए अब हम अगर इसकी बात करें ना, तो यहां देखिए माइनस प्लस है, तो खोजिए चारों में माइनस प्लस वाला कौन होगा, ये है कि ये है माइनस प्लस, तो माइनस और प्लस ये हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश में, यानी दूसरे वाले में होगा, ठीक है। अगला जो हमारा आता है माइनस प्लस, फिर से जीरो है और माइनस में है, तो माइनस में एक्स है तो यहां होगा, यह भी हमारा किस में होगा बच्चों, तो दूसरा में ही होगा। तीसरा जो हमारा है ना, ये है माइनस नौ और आठ, माइनस और प्लस ये भी हमारा द्वितीय में ही होगा, और ये हमारा हो जाएगा प्रथम में, और ये हमारा हो जाएगा चतुर्थ में, क्योंकि यहां पर प्लस माइनस और यहां पर दोनों में प्लस है, क्लियर है। चलिए उम्मीद करते हैं कि हर एक बात आपको समझ में आ रहा होगा, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए बच्चों। चलिए इसके आगे अब प्रश्न दूसरे तरह से अगर पूछेगा तो कैसे पूछेगा, बेसिक क्वेश्चंस की बात होती है, कैसे पूछता है। वैसे क्लास टेंथ के बच्चे हैं आप लोग, निश्चिंत रहिए इन सब तरीकों से ना आपसे बिल्कुल प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा वो इसके आगे का जो हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में ना, उन चीजों पर प्रश्न पूछेगा। फिलहाल हम आपको एक बिंदु कह रहा है माइनस तीन कौमा दो को कार्तीय तल पर प्रदर्शित करें। कार्तीय तल पर बच्चों क्या करना है, इसे प्रदर्शित करना है, ठीक है। चलिए हम एक ग्राफ खींचते हैं, यह ग्राफ जो हमने खींचा, इस ग्राफ को गौर से देखिए, यही चारों इसका तल जो है इसी को कार्तीय तल कहते हैं, ठीक है। ग्राफ खींचे, हमको पता है यह एक्स है, यह वाई है, तो ये वाई डैश होगा और यह एक्स डैश होगा, अभी आपको हमने बताया। इधर यहां जीरो है तो इधर पूरा प्लस हो, वन टू थ्री और फोर, यहां देखिए वन टू थ्री, यहां माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, यहां देखिए माइनस वन माइनस टू और माइनस थ्री, क्लियर है। अब इसके बाद बच्चों कह रहा माइनस तीन, अब हमको पता है कि पहला जो होता है ना वो एक्स वाला होता है, पहला होता है एक्स वाला और दूसरा जो होता है वो होता है वाई वाला, तो हमारे पास माइनस में एक्स है, तो एक्स अक्ष पर एक्स एक्सिस पर माइनस वाले को खोजिए, ये है माइनस में तीन कहाँ है, तो यहां पर है माइनस में हमारा तीन, कोई दिक्कत, जाकर के एक बिंदु हमने यहां दे दिया। प्लस में दो कह रहा है, तो प्लस में दो यानी वाई का मान दो है, वाई नीचे होगा कि ऊपर, तो ऊपर होगा प्लस दो, यहां है वाई, यहां पर है, ठीक। अब इसके सामने में ऐसे 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 ऐसे, सॉरी टेढ़ा हो गया, इस तरह से हम सीधा लाइन खींचेंगे और सीधा लाइन खींचने के बाद इसको यहां तक लाएंगे, और ये जो बिंदु है जहां पर दोनों मिल रहा है
इसी बिंदु को हम लोग यहाँ पर नाम दे देंगे -3.2। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अगर इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे आपसे तो क्या बनेगा या नहीं बनेगा, आप कहेगा जी सर बिल्कुल बन जाएगा क्योंकि बहुत ही आसान है। तो चलिए एक बिंदु हम आपको देते हैं, बताइए क्या होगा। -2 है, सॉरी एक बिंदु कह रहा है 0 है कॉमा 0 है, एक बिंदु कह रहा है 5 है, एक बिंदु कह रहा है 4 है कॉमा -2 है। चलिए जल्दी बताइए कहां पर क्या होगा। हाँ देखिए बच्चों, 0 0 की अगर हम बात करें तो 0 0 मूल बिंदु पर ही होगा, यानी x भी 0 तो यही होगा, y भी 0 तो यही होगा, तो यहां लिख देंगे 0.0। अब दूसरा है 4.-2, 4 प्लस वाला है, x में का मान 4 है प्लस वाला, y का मान -2 है, तो नीचे आ जाइए, y का मान नीचे आ गए और यहां पर हो गया 4.-2, 4, बच्चों 4, क्या हो जाएगा -2। देखिए आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर जब आप कह रहे हैं ना कि हमारे लिए जरूरी नहीं है, ये 9th का बेसिक था, मतलब 9th का चैप्टर था, लेकिन हम आपने हमें पढ़ाया, तो बच्चों निर्देशांक ज्यामिति आपको तभी समझ में आएगा जब आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और हम इसीलिए आपको इसका कॉन्सेप्ट बताने का पूरा प्रयास किए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं कि यहां तक बातें आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी और किसी को कोई समस्या नहीं होगा। अगर कोई समस्या लग रहा है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, अगर नहीं तो इसके ऊपर हम आपको कुछ होमवर्क देते हैं जिसको आप बना करके आपको लाना है, कल क्लास में चेक की जाएगी। देखिए दो क्वेश्चन आपको, एक क्वेश्चन पहले मिला था जिसमें चतुर्थांश को देखना था, एक क्वेश्चन अब दिया जा रहा है जिसमें कह रहा है कार्तीय तल पर बिंदुओं को प्रदर्शित करना है, कार्तीय तल पर बिंदुओं को क्या करना है प्रदर्शित करना है। आपके सामने कुछ बिंदुएं दी गई है 2.3, -3.4, 4.-2, 3.-2, 3/2, 5/2, ठीक है, 8.2, 0.1, 1.0, 3.3.5, -4.-2। तो यह जो आपके सामने 5-10 सवाल जो दिख रहे हैं, इस सवाल को बच्चों आप ग्राफ पर प्रदर्शित करके लाएंगे और चेक कराएंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आज की जो हमारी क्लास है -5.2 है ये, सॉरी -5/2 है, ठीक है। तो आज की जो मेरे प्यारे बच्चों ये क्लास है, इस क्लास को हम यहीं पर एंडिंग करते हैं। अगली क्लास में हम थोड़ी सी एडवांस लेवल की चीजों के बारे में जानेंगे आपकी, हालांकि ये क्रैश कोर्स टाइप की क्लास है, लक्ष्य 450 की बैच है, तो ज्यादा लंबा चौड़ा हम नहीं लेकर के जाएंगे। आपकी कल और परसों की यानी कि अगली एक या दो जो क्लास होगी उस क्लास में हमारी कोशिश रहेगी कि संपूर्ण निर्देशांक ज्यामिति आपको 1 शॉट या 2 शॉट में पढ़ा दिया जाए, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास को हम यहीं पर ओवर करते हैं, मिलते हैं अपने निर्धारित समय से अगली क्लास में। चलिए बच्चों नमस्कार।